तो चलिए 10 मिनट का टाइमर चैलेंज फिर से वापस आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर अर्चना क्या 10 मिनट के चैलेंज में बना पाएंगी ये शानदार दिखने वाला डोसा और साथ में चटनी। एंड टू एंड चॉपिंग से लेके कटिंग से लेके ग्राइंडिंग भी हम सामने ही करेंगे लाइव वीडियो में। टाइमर के संग अर्चना आएंगी और दिखाएंगी पूरे हफ्ते। अर्चना 10 मिनट में आपको लाइट लंच और ब्रेकफास्ट की टिफिन बॉक्स रेसिपीज दिखाएंगी और एंड जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज है, मजा आ जाएगा आपको। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। तो अर्चना यू आर रेडी? यस। ऑल द बेस्ट अर्चना। हम सभी वेट कर रहे हैं कि आज अर्चना क्या बनाने वाली है 10 मिनट में साउथ इंडियन स्पेशल यहाँ पर। तो स्टार्ट करें अर्चना? स्टार्ट करें। हम सबसे पहले हमारा टाइमर स्टार्ट करें। यस बिल्कुल। तो देखिए टाइमर स्टार्ट हो रहा है। ओके तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा गैस ऑन कर रही हूं। ओके तो तवा यहाँ पे ऑन करना है हमें। मीडियम पे रख दिया है। दिस इज आवर डोसा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, दिस इज ओट्स डोसा हेल्दी भी। वी विल टेक अ स्मॉल वन कप ऑफ ओट्स जितना भी चाहिए। ओके उसको तुरंत ग्राइंड करके लेके आ। तो ग्राइंड करके अर्चना लेके आ रही है। देखिए अर्चना को मोटिवेट करिए यहाँ पे, लाइक करिए कि आपको लगता है आज अर्चना 10 मिनट के टाइमर में बना पाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक की जरूरत है। ये देखिए ग्राइंड करके ओट्स को ले आई है। आप क्या करना है अर्चना? वी विल यूज वन कप ऑफ कर्ड। ओके थोड़ा सा लाइट कर्ड डाल दीजिएगा। इस लाइट कर्ड को थोड़ा सा मिक्स करते हुए वी विल ऐड आवर ओट्स का पाउडर जो है। ओके थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए। तो ये तो फाइबर रिच भी हो गया, दही के कारण कैल्शियम भी हो गया। तो आज अर्चना बना रही है आपके लिए ओट्स का डोसा यहाँ पर। एक ओट्स के डोसे के संग एक चटनी भी बना के वो दिखाएंगे क्योंकि ये लाइट लंच ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो इसमें हम ओट्स के साथ साथ थोड़ा बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा सूजी भी। ओके ये कच्ची सूजी है, रॉ सूजी हमारी? यस कच्ची सूजी है। थोड़ा आपको पता चल जाएगा हमारे टेक्सचर के हिसाब से हम ऐड करेंगे। यू कैन मेक इट मोर हेल्दी, यू कैन ऑल्सो ऐड यू नो जैसे गेहूं का आटा वगैरह। ओके देन वी विल ऐड टू टू थ्री स्पून्स ऑफ राइस फ्लोर। ओके तो देखिए चावल का आटा यहाँ पे सूजी के संग हमने ऐड करा है। देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है 10 मिनट का चैलेंज चल रहा है यहाँ पर, अर्चना ये डोसा बैटर बना रही है फटाफट बनने वाला। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। इसके साथ साथ थोड़ा रंग के लिए हम करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। ओके ले रहे थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसको हम जितना चाहिए उतना चॉप कर। देखिए धुला हुआ है अर्चना की, आज आपको एकदम फास्ट स्पीड पता चलेगी जो हर मॉम में आप देखते हैं जब जल्दी होती है ना तो मॉम्स फटाफट काटती हैं। तो आप चॉपिंग करके धनिया यहाँ पे डाल रहे हैं। धुला हुआ धनिया तो हर घर में होता ही है। तो अब ये देखिए अच्छे से एक बार बीट कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी नमक ऐड कर दिया है। ठीक है नाउ वी विल पुट आवर डोसा। तो देखिए 2.5 मिनट के अंदर यहाँ पे अर्चना ने बैटर बना लिया है। काफी टाइम है अर्चना, आराम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंसिस्टेंसी जो है ना वो देख लीजिए, इट शुड ऑलवेज बी अ गुड फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। वैसे ना डोसा के लिए अगर आप बिगिनर हो, यूजुअली अगर पहला डोसा ठीक से नहीं आया तो प्लीज दिल मत हारिएगा। बिल्कुल नहीं अर्चना, बिल्कुल नहीं हारेंगे। अभी तो हमारा दिल इसमें है कि आप बना रहे पा रहे हैं 10 मिनट में आप या नहीं। विशेष से जरूर। तो मैंने ना आई लाइक टू ऑलवेज जस्ट क्लीन द थिंग व्हेन इट इज हॉट ताकि हमारा जो स्प्रेड है ना आराम से हो सके। हाँ तो देखिए अगर हॉट है तो एक बार इसको हमने कर दिया और अब यहाँ पे डोसा अर्चना डाल देंगी। तो देखिए कितना क्विक लंच है ना यहाँ पे, या ब्रेकफास्ट लाइट लंच एंड स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वर्किंग है या मॉम है, आपको बच्चों को तैयार भी करना है तो आप फटाफट लंच बना सकते हैं अपने हस्बैंड के लिए बच्चों के लिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा घी या तेल। अब तो मैं तेल डाल रही हूँ। और अर्चना ये कौन सी फ्लेम पे करेंगे आप? मैं मीडियम पे कर रही हूँ। अच्छा ओके मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा होने देंगे। ओके हमारा डोसा बन रहा है, हम बना लेंगे हमारी चटनी। चटनी दिस इज द इंस्टेंट फास्टेस्ट चटनी। वी आर टेकिंग 1 कप ऑफ ग्राम दाल। ये देखिए रोस्टेड ग्राम दाल है, बंगाल ग्राम दाल यानी चटनी वाली दाल, पुठाने वाली दाल। 1 मिर्ची या स्वादानुसार, लिटिल बिट ऑफ टैमरिंड। ओके ओके लिटिल ऑप्शनल है ड्राई कोकोनट है मेरे पास, फ्रेश कोकोनट हमेशा नहीं रहता है ना। दिस इज सम अदरक। ओके ये धुली हुई अदरक है यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, हम धो के देखिए अर्चना। सीमा जी बोल रही है अर्चना काश जल्दी बना ले फिर हमें गाना सुनने को मिलेगा। नीले भाई देखिए अर्चना की हाथ देखिए, यहाँ प्याज भी छील रही है वो आपके लिए, प्याज छील के आपको दिखा रही है, बिल्कुल फोकस है उनको।
अगर आपको लग रहा है ना अर्चना करेगी तो लाइक करिए। 10 मिनट्स टाइमर चैलेंज में तो बहुत प्याज चाहिए होती है। इसमें प्याज है, ऑप्शनल है, लेकिन इट्स डिफरेंट एंड गुड टेस्ट। कभी इसको क्या हम ऑफिस लंच में भी ले जा सकते हैं? डोसे को डोसा और चटनी, यस, आराम से। जब ऑफिस पे जाना है ना तो डोसा को थोड़ा सा मोटा बनाइए, बहुत थिन बना देंगे ना तो इट मे बिकम दिस थिंग, बट सॉफ्ट डोसा यूजुअली अच्छा रहता है लंच। अच्छा रहता है। ये नमक डाला अर्चना ने एंड थोड़ा सा शुगर। वाओ, तो ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट चैलेंज चल रहा है। अब ये ग्राइंड करके लाएंगे। अर्चना सुपर फास्ट स्पीड में बना रही है। टाइमर में 5 मिनट हो चुके हैं। लाइव वीडियो आप देख रहे हैं ओनली ऑन जायका का तड़का। अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर आपको गाना सुनना है ना तो अर्चना को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। खूब सारे लाइक्स दीजिए। आपको अच्छा लग रहा है? पहली बार ड्राई ग्राइंड कर लिया है तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे टेक्सचर के हिसाब से, और इसको और एक बार हम ग्राइंड करके लेके आएंगे। ये चटनी अर्चना अपने बच्चों के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए हमेशा बनाती है। उनका ये ब्रेकफास्ट और लंच रहता है। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। बिल्कुल आराधना जी, वो आराधना जी बोल रही है। देखिए चटनी बन गई, चटनी रेडी है। तो जब तक चटनी बन रही है तो हम तड़के का पैन भी अर्चना वहाँ ऑन करके आ रही है, और डोसे को भी हम देख लेते हैं। अर्चना यहाँ पर डोसे को देख लेते हैं कैसे बना है हमारा डोसा। पहला डोसा, इस बैटर को ना आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे आप देख रहे हो रेस्ट की जरूरत भी नहीं है। अर्चना, वी हैव इनफ टाइम, डोंट वरी, आप कर सकते हैं। तड़का भी लगने वाला है। और अभी हम ये एक हमारा डोसा हो गया, हम दूसरे डोसे का भी बैटर अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। आराधना जी बोल रही है हमारी मम्मियों की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बहुत आसानी से अर्चना ने कर दी है। अर्चना की कैसी लग रही है? अर्चना को देखिए, मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ, शी लाइक फुल्ली वर्किंग। यस, वो तड़का लग रहा है, तड़के के ऊपर चलेंगे। लाइक ऑल मॉम्स फुल फोकस एट वर्क। ये थोड़ा सा मैंने तेल लिया है, आप घी भी डाल सकते हो, है ना। तो इसके ऊपर हम तड़के के लिए करेंगे थोड़ा सा, ऑलरेडी तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा राई, ओके, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हिंग, ओके, एंड लिटिल बिट ऑफ करी। तो देखिए तड़का, ये चटनी का तड़का यहाँ पे रेडी है। तड़का रेडी है और चलते हैं। देखिए डोसा भी रेडी, अभी तो 3 मिनट है हमारे पास, एक और डोसा बन जाएगा। ये वाह, सुपर फास्ट चटनी, बिल्कुल अमिता जी, चटनी हमारी रेडी है। टीना जी बताए क्या बोल रही हैं कि मेरे को डोसा बनाना बहुत टफ लगता था, अर्चना आपको देखकर लग रहा है हम भी कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, बिलीव में, मुझे भी बहुत टफ लगता था, जाते जाते सीख लिया मैंने। बस तो देखिए अभी एक और डोसा हम यहाँ पे लगा देंगे। यस यस, पक्का लगा देंगे। ये देखिए, तो देखिए ये ना इतना, इट्स नॉट वेरी क्रिस्पी डोसा इंटेंशनली, बिकॉज अगर टिफिन बॉक्स के लिए दे रहे हैं ना तो बेटर टू कीप अ लिटिल सॉफ्ट। हाँ, तो देखिए आप टिफिन बॉक्स के लिए दे रहे हैं तो ये टिप है अर्चना की, क्योंकि वो बच्चों के लिए रखते हैं। बहुत पॉपुलर है साउथ इंडिया में डोसा रखना, इडली रखना, तो आप देख सकते हैं। इसलिए आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाइए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए कहाँ से देख रहे हैं। वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, बहुत जरूरी है। और आपको लगता है अर्चना 10 मिनट का टाइमर हो गया है, अगर आपने सपोर्ट करा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलिएगा, इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स टू डू दिस 10 मिनट टाइमर चैलेंज। 2 मिनट है अभी हमारे पास और यहाँ पे एक और डोसा डल चुका है। अर्चना जी क्या बात है, इतना फास्ट डोसा बनेगा। आशीष जी बोल रहे हैं, धीमा जी बोल रही है, सुपर मॉम ऑलवेज जिंदाबाद, थैंक यू सो मच, इतने कम टाइम में आपने बना लिया, हैट्स ऑफ। एंड दिस इज अ लाइव वीडियो जो आप देख रहे हैं, कोई एडिटिंग नहीं है, टाइमर यहाँ पे लाइव वीडियो में चल रहा है। जैसे आप IPL लाइव देखेंगे वैसे ही आप ये टाइमर चैलेंज भी लाइव देख रहे हैं। और अब ये देखिए डोसा भी यहाँ पे बन रहा है, एंड बोथ ऑफ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। पुष्पांजलि जी अभी भी देखिए हमारे पास 1.25 मिनट है, और आई थिंक अर्चना जो दूसरा डोसा है वो और फटाफट बनता है, राइट? ये यूजुअली दूसरा डोसा जल्दी बनता है। हाँ, दूसरा डोसा बहुत फटाफट बनता है क्योंकि आपका जो होता है तवा वो बहुत गर्म होता है वैसे ही। तो देखिए यहाँ पर अभी हम अर्चना ला रही है अपना, ये देखिए। सो लेट्स सी, 10 मिनट्स टाइमर में अभी ये हो गया है। अर्चना जी आपकी वॉइस सुपर्ब है, युविका जी सुनाएंगे, वेट करिए। तो अभी हमारा डोसा, जैसे हम कहते हैं ना,
बिकॉज हमको हमेशा टेंशन रहता है कि ये बन जाएगा कि नहीं टाइम पे स्कूल बच्चों के लिए, तो मैं तो कहती हूँ जरूर बना पाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल, अब तो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड ना, आई एम श्योर ऑल मॉम्स आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बच्चों को अच्छा अच्छा टिफिन दे। बिल्कुल, सो आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड फॉर द सेम। हाँ तो देखिए अभी हमारे डोसे को यहाँ पे होने देंगे, तब तक चटनी हमारी देखिए यहाँ पे अर्चना अपना डोसा बना रही है, यूज आयरन डोसा, क्रिस्पी डोसा अभी हम बना नहीं रहे सपना जी क्योंकि टिफिन के लिए रख रहे हैं। ये देखिए जब ब्राउनिश पार्ट आने लग जाता है दैट मीन्स कि आप पलट सकते हैं। वाह अच्छा बिल्कुल टाइम पे है, 7 सेकंड्स रिमेनिंग एंड आवर सेकंड डोसा इज आल्सो रेडी। अब हम इसको सर्व कर देंगे यहाँ पर, अर्चना इज एग्जैक्टली ऑन टाइम, लेट्स गिव हर अ बिग अप्लॉज गाइस। यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है दो डोसे बना लिए, हमारा 10 मिनट्स का टाइमर खत्म हुआ यहाँ पर, आप बीप सुन सकते थे और अर्चना का डोसा इज रेडी टू सर्व। गैस को अभी बंद कर देंगे हम। यस यस वी आर रेडी टू सर्व। इसको होने देते हैं अर्चना, तब तक आप गाना भी सोच लीजिए क्योंकि अब आपका खाना तो बन चुका है। ये लाइव लंच, आपको पता है ये अर्चना का आज लंच है। शी एक्चुअली मेड दिस फॉर हर लंच टुडे इन 10 मिनट्स, उनके पास टाइम नहीं था। किचन स्लैब साफ है, सब लोग बोल रहे हैं आज क्या डोसा बनाया, हमें भी खाना है, थैंक यू दिव्या जी बोल रहे हैं। टाइमर के संग देखिए उनका दूसरा डोसा वहाँ रेडी है, तो अर्चना वो गरम गरम ही खाइएगा सिंस इट्स योर लंच। अभी वो लंच भी करेंगी, काम भी करना पड़ता है घर का ऑफिस का बहुत सारा, यही तो मैं बोलती हूँ मॉम्स आर अमेजिंग। तो एक छोटा सा गाना हो जाए अर्चना। यस डेफिनेटली, पता नहीं सडनली मन में ऐसे आ रहा है, अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ए जिंदगी गले लगा ले। फिलहाल तो डोसे को लगाते हैं हम अर्चना, इतना बढ़िया आपने दो डोसा और चटनी यहाँ पे अर्चना ने रेडी कर दी है। 10 मिनट्स का टाइमर हमारा ओवर हुआ और अब इसको अर्चना को हम यहीं पर रहने देंगे, गरम गरम सर्व करेंगे। रेडी है अर्चना, थैंक यू सो मच, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चैलेंज टुमारो। मुझे नहीं पता था कि साउथ इंडियन रेसिपीज भी 10 मिनट में इतनी फटाफट बन सकती है, आपने ब्रेक करा है माइंड का बैरियर, बहुत अच्छा लगा। कल मिलेंगे 2 बजे फिर से अर्चना के संग वापस से लाइव वीडियो में, 10 मिनट टाइमर चैलेंज में, अनदर यूनिक रेसिपी के संग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, गाना अच्छा लगा तो लाइक करिए, बताइए जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।